चलान कट गया यार, चला मेरे दोस्त का चलान कट गया भाई। पुलिस को देखता है तो सामने ले जाकर रोकता है एकदम, आ बहन सॉरी दोस्तों। हमारे भोला जी तेल ले रहे हैं, कितना का तेल लिए जी? 400 रुपये का तेल लिए हैं, एकदम तेज में बोल रहे हैं। 400 रुपये का टंकी फुल हो जाना चाहिए बुलेट का, बाकी टंकी कुछ ज़्यादा ही छोटे बुलेट वगैरह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मेरे दोस्त के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा नया रोड का मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि नया रोड बड़ा ही ज़्यादा चिकना बना है। आप लोगों को ये रोड कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा अभी गर्म है रोड, क्योंकि अभी ताज़ा बना है। ऐसे रोडों पे तो ये बुलेट जो पूरा चिपक के चल रही है, एकदम स्टेबल, पूरा स्टेबल। देख सकते हैं कि बस वाला कितना तेज़ी से लेके आ रहा है ऐसा टर्निंग पे। इन लोगों तो सतर्क होकर चलना चाहिए टर्निंग पे, क्योंकि ये लोग बड़ा बड़ा गाड़ी लिया हुआ है। चलिए खींचते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि साला बकचोद है, बीच में घुस गया है, और हम लोग तो यही सोच के ना चलेंगे कि ये सिंगल लेन है, इधर बस जाने वाला लोग आता जाएगा, लेकिन वो बीच में आ रहा था, अचानक से अगर नज़र हटता तो ठोक देते हैं उसको। ऐसा हो सकता था इंसिडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। ये छोटा मोटा मार्केट है तो ऐसा दिन आ गया है कि मतलब गर्म गर्म हवा लग रहा है शरीर में, ज़्यादा तेज़ चलाने पर जल रहा है शरीर। आप लोग समझ सकते हैं कि धीरे धीरे और गर्मी बढ़ेगा तो कितना ज़्यादा मतलब शरीर में गर्मी लगेगा। अभी तो हम लोग इसीलिए लेट से निकले हैं, टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कि दोपहर नहीं है, अभी 4 बज रहा है। तो समझ सकते हैं कि 4 बजे ऐसा दिन है कि अभी शरीर जल रहा है। तो यहाँ पे अभी एक भाई हमको बोलते हुए कि चलिए, सबसे पीछे यही है और हम ही को बोल रहे हैं कि चलिए चलिए, कब आते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग के साइड बहुत ही ज़्यादा ट्रक हमेशा लगा रहता है, क्योंकि इधर बालू का जो है खुदाई होता है, मतलब बालू निकलता है, इसी की वजह से तो ये सब लगा रहता है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक इन लोगों की वजह से लगा रहता है हमेशा। और हमारा जो भी फिलहाल का राइड है वो 60-65 किलोमीटर का होने जा रहा है, तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो में वॉच करें फुल वीडियो को और बताएं हमको कैसा लगा, आपको फीडबैक दे ज़रूर दें। चलिए हम लोग इस राइड को और कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ कहा जा सकता है, जो बुलेट का है ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि इसका जो रेयर ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त काम करता है, और फ्रंट ब्रेक का तो बात ही हटाइए। दोनों ब्रेक इससे ऐसा है कि आप अगर 100+ भी स्पीड में है तो अगर कहीं पे ब्रेक अप्लाई कर दे तो बाइक वहीं पर स्टेबल खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि बाइक फेंक देगा या फिर आप गिर जाएंगे बाइक से या स्किड कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्टेबल बाइक है इसका, एकदम स्टेबल इसका ब्रेकिंग है। तो ये चीज़ इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक हमको लगता है हमेशा। चलिए आगे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। ये हम लोगों के तरफ का छोटा मोटा टोल प्लाजा, जो कि अब ट्रैफिक से भरा हुआ चलेगा। देख सकते हैं सामने ट्रकों का लंबा लाइन, अगर लोग यहाँ पे नए आएंगे तो वो लोग फंस जाएंगे, क्योंकि जिनको जानकारी नहीं होगा कि किस लाइन में चलना है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आप समझ सकते हैं। और ये N160 वाला छपरी पंक्ति करते हुए
देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है। और ये जो आप देख रहे हैं ट्रक का लाइन लंबा लगा हुआ है, ये करीब 30-35 किलोमीटर तक ऐसा ही लंबा लाइन रहता है हमेशा ट्रक का, बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन। और अभी मतलब इस रोड में 30-35 किलोमीटर लंबा रहता है, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है। फिलहाल जो हम लोग की तरफ का रोड है मतलब वन वे और टू वे से कोई मतलब नहीं, इधर से भी गाड़ी आ रहा है और इधर से भी जा भी रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक वैसे सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रक लगा हुआ है, लंबा ट्रैफिक, एकदम लंबा ट्रैफिक। और इसमें ज़्यादा तेज चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और ये हम लोगों की तरफ का एक ब्रिज है जिसको कोइलवर ब्रिज कहा जाता है, और एकदम मस्त ब्रिज है, यहाँ पे दोनों तरफ से हवा आता है। फिलहाल तो ये ट्रक वाला एक तरफ का हवा ब्लॉक कर रखा है, इधर से आता है। और ये सब पानी के दिनों में ये सब जितना भी आप खुला देख रहे हैं सब भरा रहता है पानी से। अभी धीरे कुछ दिन के बाद एकदम देख आपको दिखाएंगे आगे चल के सीन, मतलब कुछ अगले वीडियो में कभी आएंगे तो दिखाएंगे, पूरा भरा रहता है एकदम पानी से ऊपर तक, एकदम पूरा ज़्यादा। सोन नदी है ये, सोन रिवर, आप नाम सुने होंगे, आप लोग जहाँ से भी वॉच कर रहे हैं हमारे वीडियो को आप लोग ये नाम ज़रूर सुने होंगे, सोन रिवर, वही नदी है ये। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों तरफ से रास्ता चालू है और अचानक से गाड़ी आ जा रहा है सामने, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इससे ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे। अभिषेक का तो हालत बिगड़ गया होगा क्योंकि भाई के पास लाइसेंस नहीं है। आपका तो हालत ख़राब हो गया होगा क्योंकि आपके पास तो लाइसेंस है नहीं, हो सकता था। अच्छा, बुलेट का तो एक चीज़ और तारीफ करने योग्य बनता है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है एकदम मक्खन सस्पेंशन है। ज़रा सा भी हमको मतलब ब्रेकर में पता नहीं चल रहा है कि ब्रेकर भी आया कब पार हुआ, क्योंकि जो ब्रेकर अभी आप मतलब हम क्रॉस किए हैं वही सेम ब्रेकर हम अपने बाइक पे R15 पे करते हैं क्रॉस, तो बहुत ही ज़्यादा फील होता है, लेकिन इस पर जरा सा भी फील नहीं हो रहा है। शायद इसका कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों, तो ये बुलेट का एक अच्छा वाला फीडबैक था, और कुछ ख़राब फीडबैक होगा तो वो भी ज़रूर देंगे आपको आगे चल के वीडियो में। और इतना ज़्यादा पुलिस लोग इसलिए चल रहा है क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है, इसीलिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल कानून को फॉलो करना पड़ेगा बाइकर्स को, या फिर जो भी मतलब रोड पे चल रहे हैं सबको हेलमेट भी लगाना ज़रूरी है, नेसेसरी है, हमेशा ही रहता है लेकिन एकदम नेसेसरी है। अभी फ़िलहाल तो एकदम बहुत ही ज़्यादा चेकिंग है, तो हम लोग हमेशा अपने सेफ्टी के साथ चलते हैं। मेरे पास सारा कागज़ भी है अपने बाइक से लेके बॉडी से लेके हर चीज़ का कागज़ है हमारे पास। तो अभी हम लोग 30 किलोमीटर करीब राइड कर चुके हैं और 40 किलोमीटर बचा हुआ है, तो इसके बाद 40 किलोमीटर का राइड बचेगा तो देखते हैं कि उसको कितने देर में हम लोग कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है 4:22, 4:22 हो रहा है दोस्तों, और 40 किलोमीटर हम लोग कवर करना है बुलेट से, तो देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग या फिर कितना लेट कवर कर पाते हैं, क्योंकि रोड का तो स्थिति ठीक नहीं है, अप डाउन दोनों रास्ता चालू है एक ही तरफ से, तो थोड़ा रिस्की बन जाता है ज़्यादा तेज़ चलाना। आपके तरफ गर्म हवा को क्या बोला जाता है जो गर्मी के दिन में चलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग की तरफ तो लुक बोला जाता है, लुक, लेकिन मतलब ओरिजिनल इसका लैंग्वेज लू है, लू, लेकिन हम लोग लुक बोलते हैं, लुक बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ जो हमारे मित्र हैं जिनका हम बाइक अभी चला रहे हैं, भाई बहुत सस्पेंस में है क्योंकि बहुत सारे पुलिस लोग घूम रहे हैं, भाई सोच रहे हैं कि कहीं निकल गए हैं आज, इतना ज़्यादा पुलिस होते नहीं है अबूमन। अभी यहाँ से और हम लोगों को 34 किलोमीटर जाना है, तो
जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि रोड इधर थोड़ा लेट कर रहा है ट्रैफिक की वजह से। तो उधर जहाँ खाली रास्ता मिलेगा हम लोग वहाँ पे खींचेंगे बाइक अपना। और देख सकते हैं कि हम लोग डबल लाइन में जा नहीं सकते, सिंगल लाइन ही है। इधर इतना कुछ दूर थोड़ा रास्ता ख़राब है। और आरा से पटना तक का सफ़र जो है बीच में एक बेटा पड़ता है जो कि उसके बाद पटना यहाँ से कम 35 किलोमीटर का 34-35 किलोमीटर बच जाता है। तो अभी हम लोग बेटा में हैं और यहाँ पे बड़े बड़े टेडी बियर, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा दोस्त बोला आप लोगों को खरीदा देगा ना बोला तो बोला बोल रहे बिल्कुल खरीदा देगा। कैसा अथी क्या बोलते हैं, अरे होम डिलीवरी भी है तो भाई बोल रहा है कि होम डिलीवरी नहीं करेगा, कहाँ कहाँ बेचारा होम डिलीवरी करता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रैफिक, सिंगल लाइन है और इधर ट्रैफिक बहुत लंबा है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि बुलेट अगर आप ट्रैफिक में लेकर फंस जाते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बाइक को चलाने में दिक्कत होता है क्योंकि हेवी मशीन है, आपको तो पता ही होगा कितना ज़्यादा हेवी है। जब हम ट्रैफिक में बुलेट को लेकर चल रहे थे एक चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है वो है इंजन से ही हीट, जो कि बहुत ही तेज़ ऐसा लग रहा है कि इंजन से का जो हीट है वो पैर में लग रहा है बहुत ही तेज। तो अगर ज़रा सा भी इंजन में मेरा पैर कटता है तो पूरा पैर जला देगा। और यहाँ से पटना 24 किलोमीटर रह गया है तो फटाक से हम मतलब हम लोग जल्दी से अब पटना की तरफ जल्दी से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है और उधर बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा मोड़ जो है ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा भी आगे का विजिबल नहीं है, बड़ा बड़ा ट्रक हाई स्पीड में लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से। अगर आप लोग हम लोग के तरफ अगर राइड कर लिए हम लोग के मतलब एरिया के तरफ आप इंडिया में कहीं भी राइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और लोग सीख जाएगा यहाँ पर राइडिंग अच्छे से। बाकी कुछ भी बोला जाए बुलेट चलाने में अलग ही फील आता है, हर बाइक एक तरफ चाहे वो 1000 cc का क्यों ना हो लेकिन बुलेट बाइक एक तरफ ठीक है ना, मन में क्या ठीक लग रहा है ना। बुलेट का दबदबा कुछ ज़्यादा ही बना रहता है हमेशा। जो मेरे सामने बाइक जा रहा है इन भाई का बाइक का जो चक्का है मतलब बबल टाइप में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट राइट घूम रहा है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये चीज़, अगर हाई स्पीड करते हैं तो इनको एक्सीडेंट का चांस बन जाता है, ऐसा भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो, लेकिन वो रिस्की है, लोग दिखवाते नहीं है, लापरवाही करते हैं। इसीलिए बाइक को सीट टच रखना चाहिए हमेशा, कब क्या कहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे हम एक आपको इमेजिनेशन बता रहे हैं अपना मतलब देखने का नज़रिया कल्पना करके कि ये रिस्की चीज़ है, बबल कर रहा है पीछे से तो आप लोग। और भाई बुलेट का जो एग्जॉस्ट है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का पीछे से पटाखा भी मार रहा है और हाई स्पीड पे इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही ज़्यादा शानदार आ रहा है, एकदम वाइब्रेट नहीं कर रहा ज़रा सा भी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कहाँ से कौन क्या कर दे, सब तरह सनकी है, सनकी ड्राइवर रहता है, कहीं से मोड़ लेगा, कहीं से रुक देगा, कहीं से घुमा लेगा,
बिना कुछ देखे। ये जो बाइक है, इस बाइक को भोला भाई हमारे हैं जो, वो 40-50 से ज़्यादा ऊपर नहीं चलाते हैं, रेयर है। कभी 70-80 चला दिए तो चला दिए, इसका जब भी है स्पीड का लिमिट हम ही खोलते हैं। क्यों भोला भाई, सही बोल रहे हैं ना? तो भोला भाई ज़्यादा तेज चलाते नहीं, इसका लिमिट हम ही खोलते हैं और कोई नहीं खोलता है। क्योंकि प्रतिष्ठित ये बोलते हैं, भोले का कहने का मतलब, भोले का कहने का मतलब ये है कि बुलेट है तो 10 फीट, इससे ज़्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, तो अभी ओरिजिनल आवाज़ का मजा आएगा। सही बोल रहे हैं ना? एकदम रोबोट वाला हेलमेट पहन के, जो रॉयल एनफील्ड वाला देता है वही पहन के भाई पीछे से कमेंट्री करते हुए। बाकी बुलेट बाइक में एक आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हमको पसंद आता है, वो कौन सा? जब बाइक आप 2 नंबर गियर में रखें और गियर से कम स्पीड में मतलब उठा रहे हैं उस बाइक को, तो एक माइनर ऐसा लगता है ना कि ट्रेन जैसे स्पीड पकड़ता है, गेन करता है, तो विसिल टाइप में मारता है, सी करके उस टाइप का विसिल टाइप में ये बाइक मारता है, ये बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन भाई को ये बात पता था हमें ज़रूर बताया। देखे ना आप लोग कैसा हम कटिंग मारे, खतरनाक ऐसा ही है, इनविजिबल है उधर का रोड बिल्कुल, बड़ा बड़ा गाड़ी सब तलक देख लिया है रास्ता। तो ये वाला ब्रिज हम लोग पकड़ लिए हैं, यही ब्रिज हम लोगों को लेके जाएगा, मतलब इसके बाद हम लोग टर्न करेंगे। भाई मैप में देख रहे होंगे, वैसे एक बार हम गए, हमको याद है, ठीक से याद नहीं है, लेकिन भाई को फॉलो करेंगे हम। शानदार एक फील्ड है, बहुत ही शानदार, सामने आप लोग देख सकते हो, एकदम शानदार क्रिकेट का फील्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बुलेट में एक चीज़ हमको ड्रॉबैक क्या लगा, इतना दूर तक इंजन का हीटिंग आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है पूरा पैर, देख सकते हो वहाँ पे शानदार कलर का थार, पिंक थार, आप लोगों ने ब्लैक थार देखा होगा, रेड थार देखा होगा, आज पिंक थार भी देखने को मिल गया हम लोगों को उधर, बहुत ही शानदार है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कंपनी से नया आया है या फिर भाई ने रैप करवा रखा है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पर रेड सिग्नल है अभी। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, हम लोग पहुँच चुके हैं मरीन ड्राइव पे, अब हम लोगों को ऊपर चढ़ना है। ऐसा रोड पे आप लिमिट तोड़ देंगे, समझ जाइए कितना शानदार रोड है, एकदम मक्खन की तरफ पटरी स्मूथ। यहाँ पे पल्टीना भी इतना ज़्यादा तेज चल रहा है, समझ सकते हैं ये तो फिर भी बुलेट है। और मेरे कैमरा का स्टोरेज भी ख़त्म होने वाला है। भोला और अभिषेक भाई आगे निकलते हुए बहुत तेज़ी से, ये है पटना के मरीन ड्राइव का व्यू, नाइट व्यू, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग जा रहे हैं उधर, एक छोटा मतलब उधर बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे, भूख लगा है बहुत ज़ोर से। छोटा मोटा दुकान है कि बड़ा बड़ा दुकान है? बड़ा बड़ा दुकान है, कोई भी छोटा नहीं, वहाँ पर असली पैसा वाला ही जाएगा, है ना? बाकी हम लोग तो गरीब आदमी है, गरीब। चालान कट गया यार, चला मेरा दोस्त का चलान कट गया भाई, पुलिस को देखता है तो सामने ले जाकर रोकता है एकदम, आ बहन। सॉरी दोस्तों।